एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है जिसने रेस्ट की पोजीशन से चलना शुरू किया है, अगर वो रेस्ट से चलना शुरू करती है इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद आपको बोला गया कि उस ट्रेन की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और इस वेलोसिटी को चेंज होने में टाइम कितना लगता है, 5 मिनट्स लगते हैं। अब आगे बोला गया अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, हम ये मानकर चलें कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हमें कैलकुलेट करना है कि उस ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या थी। सेकेंड केस में हमें डिस्कस करना है कि कितना उस ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से चलकर उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, सबसे पहले हम केस फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस ट्रेन की एक्सेलरेशन कितनी थी। सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ, हमें पता होनी चाहिए कि उस ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पहले से ही पता है कि वो ट्रेन पहले किस पोजीशन में थी, रेस्ट की पोजीशन में थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में होता है तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट केस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो मीटर पर सेकेंड होगी। उसके बाद वेलोसिटी चेंज होने के बाद 5 मिनट के बाद वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स उस ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास है 20 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद उस ट्रेन को कितना टाइम लगा वेलोसिटी को चेंज करने में, रेस्ट से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लगा है, 5 मिनट्स लगे हैं। तो टाइम लगा है 5 मिनट्स। अब देखो 5 मिनट्स है और बाकी जितने भी हम टर्म्स लेकर चल रहे हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो मीटर पर सेकेंड, टाइम को हम सेकेंड में मेजर कर रहे हैं, तो इसको भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू कितना, 300 सेकंड्स। तो इसको हमने चेंज कर लिया किसमें, सेकंड्स में चेंज कर लिया। तो टाइम कितना लगा उस ट्रेन को इस वेलोसिटी को चेंज करने में, 300 सेकंड्स लगे। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं, फर्स्ट केस में हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब देखो यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, वी रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, यू रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टी टाइम कितना है 300 सेकेंड्स है। सोल्व करो इसको, तो ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे 300 सेकेंड्स, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स एक्सेलरेशन आपके पास कितनी आ गई है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस आपका सोल्व हो चुका है, हमें गिवन था कि वो ट्रेन जो थी वो रेस्ट की पोजीशन में थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन थी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको गिवन था कितने टाइम में ये वेलोसिटी रेस्ट से 20 मीटर पर सेकेंड हुई, 5 मिनट्स के अंदर, मिनट में था इसलिए हमने उसको चेंज करके किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सारी वैल्यूज को पुट किया तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आया, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकेंड। तो अब देखो केस नंबर सेकेंड के अंदर हमें फाइंड आउट करने को बोला गया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, किस वेलोसिटी को अटेन करे हुए उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसी वेलोसिटी के साथ
उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं फर्स्ट केस के अंदर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अब आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं क्योंकि यहां पर हमें टाइम तो बताया नहीं गया कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो हम अगर टाइम गिवन होता तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते। अब यहाँ पे टाइम नहीं गिवन है तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वो क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। अब देखो यहाँ पर बी स्केयर रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को, यू स्केयर रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ए रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को और एस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। अब देखो बी मीन्स फाइनल वेलोसिटी वो भी आपको गिवन है, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी वो भी आपको गिवन है, ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं केस नंबर फर्स्ट से। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, एस मीन्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। तो बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड ले जाते हैं तो बी स्केयर माइनस यू स्केयर, ये यू यहाँ पे पॉजिटिव था इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 2as। अब देखो यहाँ पर 2as मल्टीप्लाई में है एस के, तो देखो 2a को जब उधर लेकर जाएंगे दूसरी साइड तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो बी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू एस। अब देखो सारी वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दो तो बी स्केयर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस यू स्केयर की वैल्यू आपके पास कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू में a, 2 एज इट इज इंटू में a, a कितना है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्केयर इज इक्वल टू s। तो अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 2, ये 15 क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू s। तो अब देखो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास s मीन्स डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 150 मीटर आ जाएगी, मीन्स उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमें पता था कि वो ट्रेन रेस्ट की पोजीशन में है इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन थी, टाइम टेकन आपको गिवन था, आपने सबसे पहले फॉर्मूला यूज किया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की। उसके बाद हमने डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना था तो उसके लिए हमने यूज किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है बी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as। यहां से हमने s की वैल्यू कैलकुलेट की, s की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 150 मीटर।